The ultimate Bollywood entertainer Govinda has turned 54 and says he's amazed by the kind of love he still receives from his fans. Govinda candidly admits that it has been a while since he lit up the screen, and yet wishes and goodwill keep pouring in. Govinda attributed it to blessings from his parents. बहुत ऐसे समय हो गया है कि ऐसा लगे कि यार ये फिल्म सुपरहिट हुई है या ये बहुत बड़ी हिट है ऐसे बहुत साल हो गए हैं कि ऐसा नहीं हुआ है उसके बावजूद जो प्रेम है वो बरकरार है और वर्षानुवर्ष से जो है नाम जो है और जो सम्मान है वो वही है तो कहीं तो माँबाप की दुआएं जो है वो काम आ जाती हैं और वर्क एज एन एक्टर मैं फ्लॉप नहीं हुआ कभी तो ये मुझे लगता है कि कृपा है मुझ पे Govinda ruled Bollywood in the 90s. The dancing star gave several mega hits from Hero Number 1 to Coolie Number 1 to Aankhein. इस समय तो ऐसा हुआ कि इतने ज़्यादा फ़ोन तो कभी मुझे लगता नहीं है कि मुझे इतने सालों में आए और इतने सालों में इतना प्यार जो है इससे पहले कभी नहीं मिला मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी का जो लोग मुझे प्रेम करते हैं और जो याद किया करते हैं Govinda is now gearing up to recreate the magic and hopes to entertain audiences for several more years. हार्ड वर्क जो है वो बरकरार है जिस वक्त से मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकला हूँ यही चीज़ मैं कहे जा रहा हूँ कि मैं हार्ड वर्क किए जा रहा हूँ और हार्ड वर्क कर रहा हूँ 2014 में दो फिल्में रिलीज हुई थी मेरी और अब जो है इस साल मेरी होम प्रोडक्शन की फिल्म रिलीज हुई आ गया हीरो और उस फिल्म से यही खासियत रही उस फिल्म या सिनेमा कह लीजिए कि जो टाइटल था जैसे कि आ गया हीरो वाकई मुझे मैंने फिर से फिल्में साइन कर ली हैं फिल्में मिली हैं मुझे तो उम्मीद करता हूँ कि जैसा बहुत समय से इंतज़ार रहा कि एज अ हीरो फिर आऊँ मैं आप लोगों के साथ वही नज़ारा हो तो दुआएं आप लोगों के साथ रखना आप लोग